हे दोस्तों व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल खजूरिया फ्री फायर में। अगर आप हमारे YouTube चैनल नए हो तो जल्दी हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटे को कर लो और प्रेस कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो आज की वीडियो हम बात एक बहुत बड़े इवेंट के बारे में, जिसके अंदर गाइस आपको अपना ज़ॉम्बी समुराई वाला बंडल या फिर रिटर्न में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइस यहां पे हम लोग फ्री फायर बैन के बारे में भी बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि आप लोग को पता है कि भाई यहां पे अपना फ्री फायर गेम जो है वो बैन हो चुका है, बट अभी तक गाइस यहां पे हम लोग गेम खेल पा रहे हैं। अभी तक फ्री फायर के सर्वर चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। तो इसके ऊपर यहां पे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, सब कुछ गाइस आपको बताऊंगा। सो गाइस ये वाली वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक जरूर से देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं कराया तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर आप न्यू है तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर दो। करो तुम्हारी निकलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती है। बंदा कैसे जल्दी काम में लेके कल ना, पर वो मुझे कल यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सो गाइस यहाँ पे ये जो अपना न्यू वेब इवेंट होने वाला है, ये आएगा गाइस यहाँ पे 25 तारीख को। एंड इसके अंदर गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को गाइस इसके अंदर देखने को मिलेगा भाई अपना ज़ॉम्बी समुराई वाला बंडल, साथ ही साथ आपको अपना ज़ॉम्बी का एक बिल्कुल जो इमोट देखने को मिलेगा। सो गाइस देखो यार, ज़ॉम्बी वाला बंडल तो आप लोगों ने पहले से ही देख रखा होगा ज़ॉम्बी समुराई वाला, बट जो इमोट कैसा है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसका जो इवेंट होने वाला है उसका नाम रहेगा यहाँ पे समुराई स्पिन। एंड ये फिलहाल तो 25 तारीख के लिए कंफर्म्ड है, लेकिन आपको पता है गेम के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, टॉप अप भी नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि भाई थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन अभी के लिए 25 फरवरी इसकी कंफर्म डेट है। इसके बाद गाइस अभी बात कर लेते हैं भाई फ्री फायर बैन के बारे में। तो गाइस देखो सीन क्या चल रहा है कि भाई देखो गेम तो बैन हो गया, वो तो आप लोगों को पता है, न्यूज़ चैनल्स पे भी आ चुका है, बट यार अभी भी अपना गेम चल रहा है, अभी तक गाइस यहां पे गेम के सर्वर बंद नहीं हुए हैं। इसके बारे में मैं आज रिसर्च कर रहा था, मैंने यहां पे गूगल के ऊपर जाके पूरा अच्छे से इसके बारे में रिसर्च करी है। एंड मैंने यहां पे देखा कि जी न्यूज़ की जो वेबसाइट है जी न्यूज़ की, उसके ऊपर यहां पे आज लगभग एक या डेढ़ घंटे पहले एक आर्टिकल आया है। साथ ही साथ यहां पे जो न्यूज़ 18 इंडिया की जो वेबसाइट है उस पे भी आज एक आर्टिकल आया है। तो उसके अंदर यहाँ पे भाई बताया गया है कि भाई देखो गेम बैन तो हो चुका है, वो तो पता ही है सबको, लेकिन अभी भी गेम के सर्वर यहाँ पे चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। तो गाइस जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर यहाँ पे यही लिखा गया है कि भाई देखो सबसे पहले तो देखो फ्री फायर बैन हुआ है, फ्री फायर मैक्स बैन नहीं हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे जो फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के सर्वर दोनों के सेम है, मतलब अगर इनकेस यहाँ पे फ्री फायर का सर्वर बंद होगा तो भाई फ्री फायर मैक्स का भी सर्वर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे गरेंदा वाले फ्री फायर मैक्स का एक सेपरेट सर्वर भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से फ्री फायर यहाँ पे पूरा बंद भी हो जाएगा, तो उसके बाद भी आप लोग फ्री फायर मैक्स को यहाँ पे आराम से खेल पाओगे विदाउट एनी वीपीएन और विदाउट एनी इश्यूज। एंड गाइस आप लोगों को पता है भाई पिछले एक दो दिन से यहाँ पे गेम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, कई बार गेम यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, कई बार यहाँ पे मैच मेकिंग नहीं हो रही है, उधर पे बार बार सर्वर टाइम आउट, नेटवर्क बिजी ऐसा करके दिखा रहा है। बहुत बार तो भाई आपका गेम स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई इतने मिनट तक आप गेम नहीं खेल पाओगे ऐसा करके, बहुत ज्यादा बंदों को प्रॉब्लम आ रही है। आप में से किस किस बंदे को ये प्रॉब्लम आई है कमेंट करके बताना। इसके बाद यहाँ पे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे टिकटॉक और पबजी भी बैन हुए थे, बट यार बैन होने के बाद भी यहाँ पे 10 से 15 दिन तक उनके सर्वर यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई अभी है ना अपना गेम का सर्वर कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी शट डाउन हो सकता है, लेकिन गरेना की तरफ से इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के नहीं आया है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। थोड़ा सा और वेट करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे न्यूज जरूर से निकल के आएगी। बाकी अगर इसके बारे में कुछ भी और पता चलता है तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर से जरूर बता दूंगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। गाइस हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।